वस्तु स्वरूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपना भेद ज्ञान पर ताकत लगाओ। सबके चेहरों पे आनंद होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं रखा यहाँ आकुलता बाकुलता करके, कुछ नहीं मिलने वाला, न करोड़पति न रबपति न लखपति, न व्यर्थ की बातें, सब कल्पना जन्य अवस्थाएं हैं। तुम तो शांति से बैठ के आनंद लो। 5 मिनट मौका मिले आंख बंद करो और डूब जाओ अपने सो। तो साहब 5 मिनट में क्या होता है, ऐसे क्या होता, ये सब छोड़ो, ये सब ये बातें करना बंद करो कि 1 घंटे के लिए बैठेंगे। पंकज जी आनंद कब लेना चाहिए? दुकानदारी करने बैठते हैं ना, दुकानदार कौन होता है? 5 रुपए का फायदा हो तो वो भी लेता है, 500 का हो तो वो भी लेता है, 5,000 का हो वो भी लेता है। लेकिन जो आदमी यही सोचेगा कि 5,000 का फायदा होगा मैं तो तभी लूँगा, ये 5-10 रुपए के चक्कर में नहीं फंसता, तो वो कभी 5,000 का ले ही नहीं पाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने से दिमाग लगा रखे, हम तो ध्यान व्यान तब लगाएंगे जब हम फ्री होंगे, जब हम अलग से टाइम निकालेंगे, जब हमारे पास फुर्सत होगी, जब हम थोड़े से निर्वृत्त हो जाएंगे, तो ना कुछ होने वाला है, ना वो तुम निर्वृत्त होने वाले हो, ना वो तुम्हारा 1 घंटा निकलने वाला है। इसलिए क्या करें, जब टाइम मिल जाए लगे 5 मिनट कुछ काम नहीं, बैठ जाओ शांति से। ये तो मजाक सी बना दी हमने, धर्म को बना दिया ना, मजाक सी लगने लगती ना, क्योंकि हमें धर्म बहुत गंभीर कृत्य लगता है। ऐसा लगता है ऐसे थोड़ी हो सकता है धर्म, माने दुनिया के सारे काम तो ऐसे हो सकते लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म कैसे होगा? मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, निर्वृत्ति लेना चाहता हूँ, और आप लोग मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। मैं आप 8 दिन के लिए सोनागिर जा रहा हूँ, है ना, और अब मैं 1 टाइम भोजन करूँगा, और अब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगा। अब हमें लगता है कि अब जाके धर्म हुआ, तो ये तो बोली बात हो गई ना, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी ना, तुम कुछ नहीं करने वाले। साहब अपने को ही ठगने के उपाय, जीव ऐसी कल्पना करता रहता है और सोचता रहता है ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, बाद में ऐसा करेंगे, अभी तो पूजा पाठ करो, अभी तो मंदिर। अरे भाई किसको ठग रहा है तू? ये अपने ऐसा अनादिकाल से ठगा अपन ने अपने को। समोसण में महावीर के बैठे थे अपन, और महावीर से कह रहे थे मन ही मन कि बस अब तुम निकल जाओ, अभी हम थोड़ा पीछे बाद में आएंगे, अभी तक आपके जाने के बाद भी तो व्यवस्था देखनी कि नहीं है। कई लोग उनसे कहो, कह रहे साहब आप थोड़ा सा, अरे साहब मंदिर की व्यवस्था तो देखनी पड़ेगी ना, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो व्यवस्था कौन देखेगा, थोड़ा धर्म ध्यान करो। अरे वो तो आज ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं स्वाध्याय प्रेमी, स्वाध्याय की व्यवस्था तो करवाते हैं लेकिन खुद स्वाध्याय में नहीं बैठते। उनसे कहो कि आप खुद तो बैठते नहीं, हम पीछे का काम देखते ना साथ, देखो पीछे ही रहोगे। ख्याल में आएगी, अरे भाई मुझे अनंत भाव का भाव करना है, मुझे जगत की व्यवस्था नहीं देखनी। और जिनको ये जगत की व्यवस्था बनाने में बहुत मजा आता है, ध्यान रख लेना, ये तुम्हें 4 गति में घुमा देगा ये भाव, ये 4 गति में घुमा देगा ये वाला भाव कि व्यवस्था देखनी, व्यवस्था देखनी। अरे भैया काहे को लगे, बड़ी मुश्किल से ये आत्मा का धर्म मिला है, अनुभव कर लो ना, फिर अनंत भवों में, अनंत गतियों में, अनंत अनंत दुखों के साथ भ्रमण होगा।